हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बेसिक बात करें तो फ्लावर जो होता है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और फ्लावर जो होता है वो बेसिकली प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करती है। पूरे प्लांट में नहीं अकर करती, सिर्फ फ्लावर में अकर करती है। फ्लावर जो आपको पता ही एक फूल, ठीक है। तो अब एक फ्लावर जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल अलग हो फीमेल अलग हो, या बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल साथ हो। तो बेसिकली हमारे पास फ्लावर के चार होल्ड होते हैं। क्या होते हैं? चार होल्ड। एक फ्लावर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू फोर होल्ड्स, डब्ल्यू एच ओ आर एल एस। पहला होल्ड होता है गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला। तो अगर मैं बात करूं गाइनोशियम और एंड्रोशियम की, तो ये दोनों जो होते हैं दे आर मेन सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है, या ऑर्गन्स। और इन दोनों को हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। क्या? एसेसरी ऑर्गन्स या पार्ट्स। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कैलिक्स से, तो कैलिक्स सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है, कैलिक्स, और वो स्टार्टिंग का पार्ट होता है। कैलिक्स का मतलब होता है आपका, क्या होता है कैलिक्स, इसको पता है? पेटल्स नहीं, सेपल्स। कैलिक्स आर सेपल्स, ये ग्रीन कलर्ड होते हैं, ठीक है। दे लुक लाइक लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं ग्रोइंग बड को। जब बड फ्लावर जब बन ग्रो कर रहा होता है उस टाइम में उसे बड कहते हैं, और फिर जब वो ऐसे खुल जाता है तो उसे हम फ्लावर कहते हैं। तो पहले जब फ्लावर जब बंद होता है उस टाइम पे ये प्रोटेक्ट करते हैं उसको, सबसे मेन बात। उसके बाद आते हैं कैलिक्स के बाद कोरोला। कोरोला का मतलब ही कलर होता है, तो ये होते हैं पेटल्स। पेटल्स की अगर हम बात करें तो पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करना है? फॉर पॉलिनेशन। इसके अलावा इसमें स्वीट स्मेलिंग भी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, हमारे लिए भी फायदा होता है। बट ये दोनों है एसेसरी ही। क्या है? दोनों एसेसरी। शादी कर ली थी, इसने शादी में गई है। चलो क्लियर है बात? कैलिक्स और कोरोला। नंबर थ्री है आपके पास गाइनोशियम। अच्छा, गाइनी वर्ड से क्या समझ आ रहा है आपको? हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम कह सकते हैं, इसका नाम होता है स्टिग्मा स्टाइल। होगी तो बात की बात है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। क्या कहते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। तो जरा इसका थोड़ा सा रफ एंड पे डायग्राम बना देते हैं। पिस्टिल या फिर कार्पेल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में पूरा खुल के बताएंगे। बट ये इस तरह से होता है। इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर। तो स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स इस पर आगे लैंड करते हैं, पोलन्स लिख रहा हूँ मैं। स्टाइल जो होता है ये बेसिकली स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक कनेक्टर होता है, कनेक्ट्स स्टिग्मा टू, इसी से इसके थ्रू स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स ओवरी तक जाते हैं। और ओवरी होता है बेसल पार्ट, जो बेस में होता है उसे हम बेसल पार्ट कहते हैं, BASAL, बेसल पार्ट, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसके अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल, इसके अंदर एग होता है,
और यहीं पे ही आपकी मतलब क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अकर करती है। ठीक है, ये आपका सेकंड, आपका थर्ड थर्ड वो है होल्ड, पहला कैलिक्स, कोरोला और गाइनोशियम। चौथा जो होल्ड होता है वो होता है आपका एंड्रोशियम। क्या होता है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम वर्ड से आपको ये याद रखना है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? एंड्रोशियम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? जो प्लांट्स में पिस्टल होता है उन्हें पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं, और फ्लावर्स में, और जिन प्लांट्स में स्टेमन होता है उन्हें स्टेमिनेट फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, स्टेमन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे ऐसे बाइलोब नाइथी के स्ट्रक्चर। इसमें दो पार्ट्स होते हैं इसके, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर और दूसरे को हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? एंथर जो होता है वो मेन पार्ट होता है, यहाँ से प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरा होता है फिलामेंट, ये स्टॉक लाइक होता है, डंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है एंथर। इसको इसका ज़्यादा कोई काम वैसे है नहीं टेक्निकली। तो ये पूरे आपके चार होल्ड्स हैं जो आप लोगों के पास हैं, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, या फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जैसे भी आपको उसको लेबल करना है। सारे प्लांट्स में ये और ये नहीं होगा, सारे प्लांट्स में किसी में सिर्फ ये होगा, किसी में सिर्फ ये होगा, किसी में दोनों होंगे। जिसमें सिर्फ एक होगा उन्हें हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, जिसमें दोनों होंगे उन्हें हम बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। अब ये वर्ड का मतलब पहले समझ लो कि गैमेटोफाइट क्या होता है। पहली बात यहां पे हम बात करें मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। बेसिकली गैमेटोफाइट का मतलब है गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्या? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। आई नीड टू चेंज द पेन। गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, अगर हम सिंपल बात करें तो वो ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। उसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो ऑर्गन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। एक तो मेरी सारी राइटिंग ऐसे टेढ़ी जाती है बताने की। ठीक है, जो भी है तो मेल गैमेटोफाइट। गैमेट क्या होते हैं? मेल गैमेट्स क्या होते हैं? हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट होता है स्पर्म। यहाँ पे मेल गैमेट्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये बात ना पूरी बार भी निकल जाती है और बच्चों को नहीं समझ में आती है कि पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट होते ही नहीं है, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। जैसे सीमेन जो होता है वो मेल गैमेट नहीं होता, स्पर्म मेल गैमेट होता है, स्पर्म के अंदर सीमेन होता है। ऐसे ही पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट होते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, टीचर भी पढ़ा के निकल जाते हैं और बच्चे भी ये याद रखते हैं कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन, वहां पे टिक करके आते हैं नीट में टक दिनी से, अरे ये क्वेश्चन है भैया, इतना बेसिक क्वेश्चन था, मैंने कहा लिख के क्या है, कह रहा पोलन, बस वेरी गुड पोलन करो। तो पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स नहीं होते। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एंथर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, यहाँ पे एंड्रोशियम में, स्टेमन में, एंथर और फिलामेंट में एंथर मेन पार्ट है। तो एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो एंथर का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बाइलोब्ड डाइथीक स्ट्रक्चर। क्या? ये थोड़ा सा दोनों साइड से सेम होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा ऑफ हो गया डिस्टॉर्ट सा, बट ऐसा ही है। बाइलोब्ड डाइथीक स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड का मतलब है दो लोब्स हैं, एक ये और इसमें दो थीका है, थीका। ये चार मेल ऐसे करके बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर होता है और इसको हम कहते हैं क्या? एंथर का स्ट्रक्चर। अगर आपने एंथर को ऐसे देखा तो नहीं दिखेगा, बट एंथर को ऐसे काट दिया ऊपर से और फिर देखा तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये होता है बाइलोब्ड डाइथीक स्ट्रक्चर एंथर का, और इसके अंदर होते हैं चार माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होते हैं? चार माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, बाइलोब्ड डाइथीकस मतलब चार थीका है ना, इट हैज फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। जिया क्यों लिखा, आई ए क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लूरल है,
एक होता तो माइक्रोस्पोर एनजीएम लिखते, क्या लिखते, माइक्रोस्पोर एनजीएम, ठीक है। माइक्रोस्पोर एनजीएम जो होता है वो आगे जाके डेवलप करता है इनटू फोर पोलन सैक्स, क्या डेवलप्स इनटू चार पोलन सैक्स, चार पोलन सैक्स में ये फर्दर डेवलप करता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत, कुछ भी बात? तो बेसिकली ये चार जो चीजें हैं ये माइक्रोस्पोर एनजीएम और फर्दर जाके पोलन सैक में डेवलप करेंगे। सैक का मतलब होता है बोरी, कट्टा जिसे कहते हैं, बोरी जिसे कहते हैं ना, सैक का मतलब, सैक रेस नहीं होती बोरी पहन के भगते हैं, सैक का मतलब है बोरी जिसके अंदर बहुत सारी सामान आप भर सको। तो यहाँ पे किस चीज का सैक है, पोलन ग्रेन बनाएंगे, खुशी खुशी कर जाएंगे, हम नहीं बनाएंगे वैसे, प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एनजीएम अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर एनजीएम के स्ट्रक्चर में काफी सारी लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर, चार लेयर्स होती है इसमें, सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीसियम, मैं इसे इसी के लिए बना रहा हूं, इसको कहेंगे एंडोथीसियम। फिर तीसरी एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर्स, इनको हम कहेंगे मिडल लेयर। और चौथी होती है टैपेटम, क्या होती है चौथी, टैपेटम। ये टैपेटम जो है बस ये रेड वाली की साथ वाली जो लेयर है ना, ये रेड वाली जो दिख रही है आपको बाहर वाली, ये डबल लेयर होती है, इसे हम कहते हैं टैपेटम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर एनजीएम की कितनी लेयर होती है, रेड वाली टैपेटम, सॉरी मैंने ब्लैक वाली पे कर दिया, रेड वाली टैपेटम जो भी, रेड वाली टैपेटम, ठीक है। तो ये चार लेयर्स होती है, सबसे पहली कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम। क्या क्या, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है इसका। इन तीनों का फंक्शन जो होता है, पहला इन तीनों लेयर का सिंपल फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, तीनों का, ये वाली तीन का, अभी टैपेटम का नहीं बताया, प्रोटेक्शन होती है इसकी, बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इसके अलावा ये डिहाइसेंस ऑफ एंथर भी कहते हैं, इसका एक और फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। इसका मतलब जब एंथर डेवलप हो जाएगा तो उसको झड़ना भी तो है, वो फंक्शन भी कौन सी करती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। टैपेटम जो लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्या करती है, नरिशमेंट टू दी ग्रोइंग पोलन ग्रेन, नरिशमेंट टू दी ग्रोइंग पोलन ग्रेन। क्या यहां तक बात क्लियर है, किसी को यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये चार लेयर हो गई, पोलन सैक तक आ गए, जब एंथर यंग होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू, जो हर माइक्रोस्पोरोजेनिया के अंदर होता है। देखो अब मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये पूरा जो है, ये सारे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, क्या है, बहुत सारे सेल्स, इनको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या कहते हैं, मैंने इसी साइड बनाया था, तो इसको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो माइक्रोस्पोर एनजीएम के अंदर होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां तक समझ में आ गया, देख लो दोबारा समझा दूं, मेल गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है, इसलिए एंथर होता है, बायलोग डाइकिकस चार दिख लिए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, ये आगे जाके पोलन सैक में डेवलप होते हैं, हर पोलन सैक के अंदर या हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो अलग अलग स्पोरोजिनस सेल से बना हुआ, किससे बना हुआ, स्पोरोजिनस सेल्स से, ये हर कोई स्पोरोजिनस सेल्स आगे जाके डेवलप करता है इनटू अ पोलन ग्रेन, इनटू अ पोलन, इसको मैं नीचे लिख देता हूं कि इसमें बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं, फिर ये डेवलप करता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है उसे पोलन मदर सेल कहते हैं। ये जो है, हाँ, ये यहाँ पे है, टैपेटम के अंदर की साइड है, ये डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, डाइप्लॉइड सेल होता है, डाइप्लॉइड की मियोसिस होती है, मियोसिस आपको पता है दो बार होती है, एक सेल से दो, दो से चार, राइट, चार माइक्रोस्पोर बन गए, इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ये फर्दर इस प्रोसेस को यहां से यहां तक स्पोरोजिनस टिश्यू सेल से पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना थ्रू मियोसिस, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब ये एंथर जो है फर्दर डेवलप करता है,
मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेट मतलब सारा वाटर निकाल लेता है। तो ये बनते हैं चार पोलन्स। चार पोलन्स को हम चार माइक्रोस्पोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चार माइक्रो। ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि हैप्लॉइड बने थे ना, तो ये पूरा आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे। ये मेल गैमेट्स का या हमारे फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पोलन ग्रेन जो होता है इसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब है वो चीज जो कि मेल गैमेट फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है? मेल गैमेट। मैं सच में टेढ़ा लिख देता हूं, पता नहीं क्यों। तो मेल गैमेट फॉर्म कर रही है, ठीक है। हाँ, फिर भी मैं टेढ़ा लिखता हूँ। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट है। ये एक पोलन ग्रेन जो है दो मेल गैमेट देती है। क्या देती है? दो। एक पोलन ग्रेन दो मेल गैमेट देता है, ठीक है। तो जितने पोलन ग्रेन आएंगे उससे डबल गैमेट हमारे पास होंगे। सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। साइज शेप जो है पोलन ग्रेन का वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी फ्लावर। अलग अलग फ्लावर पे अलग अलग पोलन ग्रेन के टाइप होंगे, ठीक है ना। पोलन ग्रेन जनरली अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। डायमीटर इसका क्या होता है? 25 से 15 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10^-6 मीटर। बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। इसमें दो लेयर्स होती हैं। इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक एक्साइन, आउटर वाली को कहते हैं एक्साइन। आउटर वाली को कहते हैं एक्साइन लेयर और इनर वाली को कहते हैं इंटाइन लेयर। क्या? एक्साइन लेयर जो होती है वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस से बनी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या? स्पोरोपोलेनिन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है पूरे वर्ल्ड में। ये किसी भी एसिड से डिजेनरेट नहीं होती। किसी भी एसिड से डिजेनरेट नहीं होती। हाथ से टूटना अलग होता है, डिजेनरेट होना मतलब खत्म हो जाना नहीं होती। क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार के पोलन ग्रेन जो है 2000 साल पुराने पोलन ग्रेन भी मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उनकी जो स्पोरोपोलेनिन है वो अभी तक डिजेनरेट हुई नहीं। हार्डेस्ट स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसी चीज से डिजेनरेट नहीं होगी। जो अंदर वाली लेयर है इन टाइम उसमें ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल से वो कर देती है, टेम्परेचर वगैरह, एसिड वगैरह, एल्कली वगैरह सबसे बचाती है। कोई एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता इस वाली को। वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स में आपको ये मिलता है, ठीक है। दूसरी वाली जो लेयर है इन टाइम उसको बनता है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज या पेक्टिन से। सेल्यूलोज या पेक्टिन। कभी कभार आ जाता है सेल्यूलोपेक्टिन से क्या बनता है, सेल्यूलोज या पेक्टिन से क्या बनता है, तो वो इन टाइम होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन भी स्ट्रॉन्ग होते हैं बट इतने ऑब्वियसली नहीं स्ट्रॉन्ग। अब इतनी तगड़ी लेयर है इसके अंदर तो कुछ घुस नहीं सकता, तो इसके अंदर छोटे 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 गैप्स होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर्स। क्या कहते हैं? जर्म पोर्स। ये जर्म पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मान लेते हैं हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, स्पोरोपोलेनिन है। अब इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर हमें ऑक्सीजन देना है क्योंकि दो अंदर गैमेट है, फूड देना है, नरिशमेंट देना है, वाटर देना है। तो कैसे देंगे? छोटे छोटे जर्म पोर्स होंगे इसके अंदर। ये जर्म पोर्स के थ्रू बाकी सारी चीजें, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है उस चीज को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। क्या यहां तक बात क्लियर है? अंदर अदरवाइज लेयर जो होती है इंटाइन होती है। मैच्योर पोलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इट हैज टू सेल्स। एक होता है जनरेटिव सेल और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। मैंने बोला था कि एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होते हैं, हाँ है ना, वो दोनों मेल गैमेट आते हैं जनरेटिव सेल से। इससे प्रोड्यूसेस गैमेट्स। हाँ, टू मेल गैमेट्स। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? वेजिटेटिव मतलब खाना वाना का नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो है साइज में बड़ा होता है, जनरेटिव सेल साइज में छोटा होता है। बेसिकली वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट कर रहा था जनरेटिव सेल। इसे टू सेट स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ कुछ एंजियोस्पर्म्स में अराउंड 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पे रहता है, बाकी जो 40% बचे
एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें ये जनरेटिव सेल खुद ब खुद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो थ्री सेल स्टेज में आता है। 60% में कहां पे आता है? टू सेल, और 40% में थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज में क्या मतलब हुआ? एक तो वेजिटेटिव है ना, और दो कौन से? गैमेट्स, गैमेट्स है ना। तो टू सेट स्टेज में 60% होता है, अगर ये दोनों ब्रेक कर जाए पहले ही तो ये थ्री सेट स्टेज में आ जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं इसे तो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, बट आपकी बुक में नहीं लिखे। पोलन ग्रेन से बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं, जैसे कि एस्मा, ब्रोंकाइटिस। ये पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास नाम की एक क्या बोलते हैं ग्रास होती है, उससे हमें एस्मा या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जीज होती है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स में बहुत सारी एलर्जी भी होती है। इसके अलावा पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पावरफुल चीज़ों में। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, टैबलेट्स और सिरप्स। बहुत सारे एथलीट्स भी इसे खाते हैं, क्योंकि एक तो नेचुरल है और आपकी आपको ग्रो करने में, आपको बॉडी बिल्डिंग वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है ना, एथलीट्स वगैरह रेस हॉर्सेस को भी ये खिलाया जाता है। अलग अलग पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब कितनी देर तक वो जीवित रहेंगे, सही रहेंगे। अलग अलग पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी अलग अलग होती है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि नहीं नहीं पचते नहीं, तो उसके ब्रेक करके लेंगे ना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर से वो नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते, टूट सकते हैं। ठीक है, आपका जो वीट है, राइस है, और आपका और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं, वो सारे के सारे सिर्फ 30 मिनट तक वायबल रहते हैं, उसके बाद उनके पोलन ग्रेन्स खराब हो जाते हैं। बट कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके दो दो तीन तीन महीने तक पोलन ग्रेन्स बिल्कुल वायबल रहते हैं, मतलब वो खराब नहीं हुए। वीट और राइस के 30 मिनट के अंदर उस पर फीमेल पे पड़ने चाहिए, वरना वो वायबिलिटी खो देंगे, मतलब उनका कोई काम नहीं रहेगा। वायबिलिटी का मतलब कब तक वो अलाइव रहेंगे, एयर में या कहीं पे भी रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें वहां तक फीमेल पे नहीं पहुंचे तो गेम खत्म। ठीक है, एक बार पोलन ग्रेन लैंड कर गया स्टिग्मा पे, उससे पहले अगर वायबिलिटी लूज नहीं करी तो वो आगे जाके रिएक्शन कराएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अगर वायबिलिटी लूज कर दी और फिर आपने पोलन ग्रेन डाले, ऐसे नहीं दो दिन पुराने पोलन ग्रेन उठा के डाल दो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है पोलन बैंक्स में। इसमें पोलन बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जहां पे पोलन ग्रेन्स हम स्टोर करे रहते हैं। क्या पता कोई स्पीशीज खत्म हो गई, क्या पता कोई स्पीशीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसके पोलन ग्रेन्स होंगे, आगे हम उसके बच्चे कर सकते हैं। तो ये -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करता है। जो भी मैंने अभी तक चीजें बताई है उन सब से वन मार्क के टिक मार्क, क्योंकि इस बार पेपर में आएंगे बोर्ड में। वन मार्क के क्वेश्चन, टू मार्क के क्वेश्चन, थ्री मार्क के क्वेश्चन। स्पोरोपोलिनिन पे अलग क्वेश्चन, जर्म फोर पे अलग क्वेश्चन, एक्साइटिंग टाइम किससे बनी होती है अलग क्वेश्चन, टू सेट स्टेज पे अलग क्वेश्चन, थ्री सेट स्टेज पे अलग क्वेश्चन, डायमीटर पे क्वेश्चन टिक मार्क में आ सकता है, आपके नीट में आता है, इसमें नहीं आता बोर्ड में। इसके अलावा मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसे बनते, मेल गैमेट कैसे बनते हैं, वायबिलिटी पे क्वेश्चन, कौन सी चीज की वायबिलिटी 30 मिनट की है, कौन सी ज्यादा है, पोलन ग्रेन्स कहां कहां पे यूज होते हैं, कहां कहां पे पोलन एनर्जी करते हैं, कौन सा करता है, पार्थेनियम या रूट कैरेट ग्रास, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी के लेक्चर में ही आपने कंप्लीट कर लिए। तो ये लेक्चर को मैं पोस्ट कर रहा हूं, शाम तक पोस्ट हो जाएगा, आप इसको देख लें और आज का टॉपिक नंबर 1 के हिसाब से पूरा पढ़ लें। थैंक यू।